कुलगाम जिले के गोपालपुरा के लोगों ने अपने गांव में खेल के मैदान की मांग की है। गांव के लोगों ने कहा है कि उनके बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं होने के कारण हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने गांव में उपलब्ध सरकारी जमीन के एक टुकड़े को खेल के मैदान में बदलने के लिए अधिकारियों से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी उपायुक्त कुलगाम को एक आवेदन दिया है। कुलगाम जिले में केवल एक खेल का मैदान स्थित है और विभिन्न क्षेत्रों से छोटे बच्चों का वहां पहुंचना संभव नहीं है। हम सरकार से अपील करते हैं कि वह हमारी बातें सुने और हमारी समस्याओं का समाधान करे। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता की रिपोर्ट। इसकी प्रॉब्लम्स है और उसमें से जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बच्चों के लिए जो है वो है प्लेग्राउंड की प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पे बच्चे जो है, क्योंकि जब इनके पास ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, तो ये शाम को जो है इकट्ठा होके क्या करते हैं, ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बाकी जो है जैसे जुआ वगैरह उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारी जो है, हमने काफ़ी बार जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की थी कि हमें एक प्लेग्राउंड जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि उससे क्या हमारे बच्चों में जो टैलेंट है स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो बाहर आ सके। हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करोगे तो हमारे बच्चों में टैलेंट जो है बाहर कैसे आएगा। तो इसलिए आप ये भी देखें कि जिन भी सिटीज़ और जिन भी टाउन्स में प्लेग्राउंड है, वहाँ के बच्चे जो है ना इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बहुत आगे हैं। हमारे बच्चे इसीलिए पीछे रह गए क्योंकि इन्हें वो बेसिक हमने पहुँचे दिया आगे। अब हम डी साहब से गुजारिश करते, गवर्नर LG से रिक्वेस्ट करते, तमाम अफसरान से इनको ये फील्ड दिया जाए।